हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ऐसा ना बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फोन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की इस जयंती पोस्टर को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है। आप भी अपने मोबाइल फोन से दोस्तों इसी तरह से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इस तरह से पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से दोस्तों बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप दोस्तों महात्मा गांधी जी की इस जयंती पोस्टर में अपना नाम और अपनी फोटो आप अपने मोबाइल फोन से दोस्तों इसमें आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जी की इस जयंती पोस्टर में आप अपने मोबाइल फोन से दोस्तों इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से दोस्तों इस जयंती पोस्टर को आप किस तरह से एडिट कर पाएंगे दोस्तों, आप इस मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आप देखते रहिए। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे और दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से सुनिए समझिए ताकि आपको दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस जयंती पोस्टर की PLP फाइल और दोस्तों इसका बैकग्राउंड आपको आसानी से मिल जाए, जिससे दोस्तों आप भी अपने मोबाइल फोन से इस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जयंती पोस्टर को दोस्तों आप खुद से डिजाइन कर सकें। दोस्तों अपने मोबाइल फोन से महात्मा गांधी जी के इस जयंती पोस्टर को एडिट करने के लिए आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों पिक्सल ऐप एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर दोस्तों आपको पिक्चर एडिटर के नाम से मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और दोस्तों आपको यह 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस जयंती पोस्टर की PLP फाइल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों महात्मा गांधी जी के इस जयंती पोस्टर की PLP जिप फाइल आप अपने मोबाइल फोन में बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी PLP जिप फाइल डाउनलोड करने से पहले आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख लीजिए क्योंकि मैंने जो जिप फाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों उसमें पासवर्ड लगा हुआ है और दोस्तों वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में आपको 3 स्टेप में देखने को और दोस्तों आपको सुनने को मिल जाएगा। इस पासवर्ड को दोस्तों जब आप जिप फाइल को क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन में दोस्तों इस जिप फाइल को अनजिप करेंगे तब दोस्तों आपको इस पासवर्ड को एक साथ लिखना है और दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी जिप फाइल आपके मोबाइल फोन में बहुत ही आसानी से अनजिप हो जाएगी और आपको इस जिप फाइल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस जयंती पोस्टर की PLP फाइल और दोस्तों इसका बैकग्राउंड आपको उस जिप फाइल में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको पिक्सल लैब में PLP फाइल को ऐड करना नहीं आता या फिर आपने अपने मोबाइल फोन से दोस्तों इस तरह से कभी भी पोस्टर बैनर को एडिट नहीं किया है बनाया नहीं है तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को दोस्तों बारी बारी से देखिए। दोस्तों आप पोस्टर बैनर बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस 2 अक्टूबर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर दोस्तों आपको यह जयंती पोस्टर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को 1 लाइक आप जरूर कर देना और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि दोस्तों मैं जब भी कोई अगला पोस्टर दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह से अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह से नए नए पोस्टर बैनर लोगो कार्ड इत्यादि इस चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए पोस्टर बैनर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।